न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करता जाऊँ, लाहौर में रिक्शे में बारूदी मवाद का धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए जिनमें से 2 की हालत तश्वीशनाक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मोहम्मद नदीम गफ्फार और आप देख रहे हैं नोट एंड शब्रो यूट्यूब चैनल। वीडियो मुकम्मल देखिएगा मुकम्मल मालूमात के लिए। पुलिस के मुताबिक धमाका चुबरचे के इलाके में एक रिक्शे में हुआ है जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए हैं और रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। पुलिस हकाम के मुताबिक रिक्शे के करीब से बाल बैरिंग मिले हैं जबकि वाकई की जगह से मिलने वाले मवाद का मुआयना किया जा रहा है। बम डिफ्यूज स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 1.5 से 2 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। धमाके के जख्मियों को तबई इमदाद के लिए फौरी तौर पर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। SP सिविल लाइन के मुताबिक रिक्शे वाले के अपने इब्तदाई बयान में कहना है कि इसने चेराकोट से सवारी उठा समनाबाद उतारी। रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि वो बैतुलखला जाने के लिए उतरा तो धमाका हो गया। जी हाँ दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अधिक मालूमात के लिए मेरा यूट्यूब चैनल नोट एंड शब्रो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।